नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। तो शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच ने सोमवार देर रात को गिरफ्तार कर लिया। उन पर अश्लील फिल्में बनाने का आरोप लगा है। मुंबई पुलिस का कहना है कि उनके पास राज कुंद्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि सोमवार रात करीब 9 बजे राज कुंद्रा पूछताछ के लिए मुंबई के बाईखला स्थित क्राइम ब्रांच ऑफिस पहुंचे थे। इसके बाद रात 11 बजे तक उनसे करीब 2 घंटे तक पूछताछ की गई और फिर उनको क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, मंगलवार सुबह सुबह 4 बजे राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच ऑफिस में मुंबई के जे हॉस्पिटल मेडिकल जांच के लिए भी बुलाया गया। इसके बाद सुबह 4:15 को राज को जे हॉस्पिटल से मुंबई कमिश्नर पुलिस के ऑफिस लाया गया है। मुंबई रिपोर्ट की माने तो मंगलवार सुबह 11 बजे पुलिस राज कुंद्रा को कोर्ट में भी पेश करेगी। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने बताया है कि क्राइम ब्रांच ने फरवरी 2021 में अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का एक केस दर्ज किया था। इसके बाद से ही पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी मारी थी। इस मामले में राज कुंद्रा से पहले 4 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्हीं आरोपों के बयान और टेक्निकल एविडेंस के आधार पर राज कुंद्रा को भी अब गिरफ्तार किया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच का कहना है कि एक ऐप बनाई गई थी, इस पर फिल्मों को रिलीज़ किया जाता था। पुलिस के हिसाब से इस ऐप के मालिक राज कुंद्रा ही है। हालांकि राज कुंद्रा ने दावा किया था कि उनका इस ऐप से कोई लेना देना नहीं है। अब इस पूरे मामले में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।